हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कुछ एक्सेल के फॉर्मूलाज, कुछ फंक्शंस। और जो पहला हमारा फंक्शन फॉर्मूला है वो बेसिकली है सम मींस प्लस का, एडिशन का। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो भाई आपको चाहिए एक डेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रैंडमली एक डेटा पुट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेरे पास होंगे कुछ नेम्स। नेम के लिए मैं पुट कर रहा हूँ रैंडमली, कुछ भी नेम मैं पुट कर देता हूँ, टेरी, जैक, माइक। अब मेरे पास कुछ फील्ड्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जस्ट लाइक इंग्लिश, आर्ट्स एंड साइंस। ओके, एंड देन एट लास्ट हमारे पास होगा हमारा टोटल, जिसमें हम सारा हमारा सबमिशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे पास एक डेटा तो मौजूद है लेकिन हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो पहले नंबर्स पुट कर लेते हैं हम। नंबर्स भी रैंडमली ही मैं कुछ ना कुछ पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 45, 47, 30 एंड देन 36, 44, फॉर माइक वी विल हैव 24, 35 एंड 40। ओके, अब हमारे पास हमारा कंप्लीट डेटा मौजूद है जिसमें हमारे पास नेम्स, सब्जेक्ट्स, फील्ड्स और कुछ नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे एडिशन पे। तो एडिशन पे बेसिकली हमें क्या करना है, ठीक है, एडिशन के हम यहाँ पे तीन फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जो फार्मूला है, पहला फार्मूला हम किस तरह अप्लाई करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू साइन। ठीक है, इक्वल्स टू साइन के बाद हमें वो एड्रेस कॉपी करना है। पहले चूँकि मैं इस रो को सम करने जा रहा हूँ, एल है, ठीक है, उसका एड्रेस हमारे पास क्या मौजूद है, B2। ठीक है, हमें ये एड्रेस लिखने के बाद शिफ्ट प्लस इज इक्वल्स टू साइन जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसके बाद चाहे तो आप वापस से उसी रो पे जाके, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास सेल है उसे सेलेक्ट कर लें। अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर आप क्या करें, यहाँ पे हमारे पास सेल एड्रेस जैसे पता कॉलम में लिखा हुआ है, 30 जिस कॉलम में लिखा हुआ है उस कॉलम का नाम है D, और जिस रो में 2, तो बेसिकली इसका एड्रेस क्या हो गया, D2। ठीक है, ये लिखने के बाद अब क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है, सारे सेल आ चुके हैं जिनको हमें प्लस करना था, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा इंटर, तो मेरे पास क्या आ चुका है, हमारे पास सम आ चुका है। ठीक है, इसका अब आप यहाँ पे अगर वैल्यूज, जस्ट सपोज आप वैल्यूज चेंज करते हैं, मैंने 30 से मैंने 20, तो देखना ये है क्या टोटल वाली अमाउंट चेंज होगी, ज़रा देखते हैं, लेट्स सी। यस, उसमें से 10 डिटेक्ट हो गए। क्यों डिटेक्ट हुए, क्योंकि मैंने उधर सेल में कुछ नंबर्स डिटेक्ट किए, तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यूज डिटेक्ट हो चुकी हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो कि बेसिकली सम का ही फार्मूला है। ठीक है, उस फार्मूला के लिए इक्वल्स टू साइन SUM। तो आप देखेंगे मेरे पास एक्सेल की इंटेलिजेंस से ही सम लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पे मुझे प्रेस करना है टैब, ठीक है, इंटर नहीं प्रेस कीजिएगा, टैब को प्रेस करना है हमें। यहाँ पे टैब प्रेस करने के बाद जिस रो को या जिस कॉलम को मैं प्लस करना चाहता हूँ उसे सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये रो है जिसे मुझे प्लस करना है अब। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको एक्सपेंड कर दूंगा मैं 44 तक। क्यों, क्योंकि मुझे 44 तक ही नंबर्स को प्लस करना था। हम पुट करेंगे क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है, जो कि शिफ्ट और ज़ीरो को प्रेस करने से आता है। ठीक है, फिर हमारे पास सम आ चुका है। वापस से देख लेते हैं कि यहाँ पे भी अगर हम वैल्यूज़ चेंज करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ चेंज होती है सम में या नहीं। जैसे मेरे पास 44 है, अगर मैं इसको 40 कर दूँ तो क्या ये हमारे पास टोटल में भी 4 डिटेक्ट होंगे। यस, जाहिर है ये हो रहे हैं डिटेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है प्रो फंक्शन, वो बेसिकली क्या है, ठीक है, ना तो इसमें ना बार बार एड्रेस पे जाने की ज़रूरत है, आपको सिंपली आल्टर
प्लस इक्वल्स टू साइन, इन दोनों को साथ प्रेस करना है बिल्कुल एट अ टाइम। जब ये आप प्रेस करेंगे, ठीक है जी, आल्टर प्लस साइन को आपको यहाँ पे प्लस प्रेस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है अब सम का पूरा फॉर्मूला। बस मैंने प्लस इक्वल्स टू साइन को मैंने प्रेस किया, जिसकी मदद से मेरे पास ये पूरा फॉर्मूला रिटर्न फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, मुझे कोई फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही मुझे बार बार एड्रेस पे जाने की ज़रूरत पड़ी, ना ही मुझे कोई चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी। सिंपली मैंने अल्टर प्लस इक्वल टू साइन को प्रेस किया है। इसके बाद आपको प्रेस करना है इंटर फॉर द आंसर। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में चेंज करता हूँ, जैसे सपोज 40 है, अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो चेंज होगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें ऐसी ही वीडियोस के लिए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।